आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत लेंथी चैप्टर भी है। अभी हम इस चैप्टर के नेम को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब होता है बेटा युग्म, पेयर मतलब होता है युग्म, और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रैखिक समीकरण, और टू वेरिएबल यानी कि दो अलग अलग वेरिएबल। यदि मैं बोर्ड पर दो इक्वेशन लिखता हूँ तो उससे आपको ये डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर का नेम क्या बोल रहा है। मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखा सबसे पहले, तो ये हुआ वन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, वाई यहाँ पर वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि चर जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता। ठीक है, ये मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में पहले क्लियर कर चुका हूँ वन और टू चैप्टर्स में। अगर सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये बेटा अब टोटल कंप्लीट हो गया। ये पैर, पैर यानी होता है युग्म, जैसे कि हम शूज पहनते हैं तो पैर में पहनते हैं, जब दो दो चीज़ें एक साथ इस्तेमाल की जाती है तो वो पैर में बोलते हैं। तो इसी टाइप से आपके पास दो इक्वेशन है यानी कि पैर में इक्वेशन है, तो पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स और वाई इन दोनों की मैक्सिमम पावर वन है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, यानी कि इस इक्वेशंस की डिग्री वन है। अब ये इक्वेशन या समीकरण क्यों है, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट में कुछ भी लिखा हुआ है, अगर भले ही जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, कुछ भी लिखा हो, अगर दो साइड होती है यानी कि बीच में बैलेंस होता है तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। अगर ये नहीं होता तो ये एक पॉलीनोमियल होता है, या आप जानते हैं इसको बहुपद बोलते हैं। अभी ये इक्वेशन है, समीकरण है, बात समझ में आ रही है। तो ये रैखिक समीकरण है और ये भी रैखिक समीकरण है, और दोनों एक साथ कहलाते हैं रैखिक समीकरणों का युग्म या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और कितने वेरिएबल के साथ, एक्स और वाई दो अलग अलग यानी कि टू वेरिएबल। बात समझ में आ रही है बेटा। इस चैप्टर थ्री में हम पढ़ने वाले हैं 3.1 में पहले कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम एल्जेब्रिक फॉर्म में लाएंगे, यानी कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रहेंगे उनको हम इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। ठीक है बेटा, और फिर उनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जियोजेब्रा में, या फिर आप बोर्ड पर कार्तीय समतल में इसके माध्यम से समझेंगे कि हम किस प्रकार से इस इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अगर एक का एक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ ये बनेगा, और दूसरा इक्वेशन है तो उसका ग्राफ भी बनेगा, तो वो इसको काटेगा या फिर इसके पैरेलल जाएगा या फिर इसी के ऊपर आ जाएगा, ये हमको इसमें देखने को मिलेगा। 3.2 में बेटा हम क्या होगा कि वहाँ पर रेशो के कंपेरिजन के हिसाब से आपसे सोल्यूशन पूछे जाएंगे कि ये जो फर्स्ट वाला और ये रेशो है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों पहले वाले इक्वल नहीं है, क्या ये इक्वल है तो ये इक्वल नहीं है, और क्या ये तीनों इक्वल है। इस टाइप से रिलेशन के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन होंगे, या फिर ये पूछा जाएगा कि आपका ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्ट है या फिर इनकंसिस्ट है। ठीक है बेटा, अगर एक्सरसाइज 3.3 की बात करोगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, और 3.4 में आप प्रतिस्थापन विलोपन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे। 3.5 में आप पढ़ोगे बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या पढ़ोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणनखंड विधि। और 3.6 में आप लास्ट एक्सरसाइज में आप ये पढ़ोगे कि बोर्ड के क्वेश्चन आएंगे, नहीं नाव वाले प्रश्न आएंगे, धारा के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे और P/Q के फॉर्म में एल्जेब्रिक इक्वेशंस आएंगे कुछ इस टाइप से, 1/x + 1/2, इनको आपको सॉल्व करना रहेगा जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहो उससे। तो इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर 3 है बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इसलिए मैं एक वीडियो में सारा चैप्टर यहाँ पर उसका बेसिक क्लियर नहीं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की, ठीक है, क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है बहुत लेंथी है, तो सबसे पहले हम 3.1 को समझेंगे और फिर हर चैप्टर के एक्सरसाइज के पहले मैं आपको उसका बेसिक क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 3.1 एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 3.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अपटॉप टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times as old as you। आपको ये अपटॉप वाला जो क्वेश्चन है उसमें अपटॉप बोल रहा है कि आज से 7 वर्ष पहले मैं अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, और ऑल्सो उसके बाद आपको बोल रहा है कि 3 years from now यानी कि आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो आपको ये जो इक्वेशन है इसको समझना है, इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, इस सिचुएशंस का आपको एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, और इस जो एल्जेब्रिक इक्वेशन आएगा उससे आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज लेज करेंगे। प्रेजेंट एज मतलब होता है वर्तमान आयु, तो माना कि अपताप की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष या x ईयर,
ठीक है, हमने मान लिया कि अफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा माना कि उसकी पुत्री की, अफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। Like the present age of Aftab is bx year and the present age of his daughter is by years या y वर्ष है, ठीक है। अब पहली जो कंडीशन है यहाँ से 7 years ago, तो सबसे पहले हमने लिखा 7 years ago, 7 साल पहले की बात बोल रहा है, यानी कि यदि अभी जैसे 2020 चल रहा है जिससे 7 साल पहले हो जाएगा 2013 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 7 साल पहले, अगर हम 7 साल पहले जाएंगे तो हमारी आयु जो है 7 साल कम हो जाएगी, तो एज ऑफ अफ्ताब, अफ्ताब की जो वर्तमान आयु है एक से, उससे 7 years कम हो जाएगा और उसकी डॉटर की भी 7 कम हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों के पहले एज निकाली, अब उनमें क्या रिलेशन है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, यानी कि आज से 7 वर्ष पूर्व वो उसकी पुत्री की आयु के 7 गुना था, कौन, अफ्ताब। तो अफ्ताब की जो एज है एक्स माइनस 7 वो 7 times थी उसकी डॉटर की एज की। क्या सर आपने ये दोनों एज क्यों नहीं ली, क्योंकि रिलेशन दिया है बेटा 7 years एगो का, इसलिए हमने पहले उनके 7 years एगो की एज फाइंड की, यहाँ पर 7 वर्ष पहले की आयु निकाली और उसके बाद इस रिलेशन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। अब आपको एक जनरली पता ही होता है कि हमेशा पिताजी की आयु कुछ होती है डॉटर की आयु से ज़्यादा ही होगी, मान लो पिताजी की आयु 42 ईयर है, ठीक है, और वो उसकी डॉटर की 7 times है, तो उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि 6 7 42, बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से रिलेशन बनते हैं, तो इधर फादर की एज आएगी, फादर की एज लिखी आपने अफ्ताब की, और 7 times है ये, 7 times है उसकी डॉटर की एज की, उसकी डॉटर की एज हमको पता नहीं है, हमने जो लेट किया उसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है वाई माइनस 7। हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7y - 7 7 49 हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन पूरे इक्वेशन इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ये 7y इधर आके माइनस का 7y हो जाएगा, और ये माइनस का 7 पहले से ही है, माइनस का 49 इधर आके हो जाएगा, प्लस का 49 इज इक्वेलेंट टू 0, ठीक है बेटा। तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 7y, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा प्लस वाला, और 49 में से 7 माइनस करोगे तो 42 इक्वेलेंट टू 0। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर बन गया है, ठीक है बेटा। तो इस फर्स्ट कंडीशन को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, सबसे पहली जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी उसको लोड कर रहा हूँ मैं, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वेलेंट टू 0। बच्चों आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उसको नोट कर लेना, मैं इतना इरेज कर रहा हूँ। अब सेकेंड जो हमारी क्वेश्चन की कंडीशन है 3 years फ्रॉम नाउ की, यानी कि 3 साल के बाद बेटा, तो 3 साल के बाद मैंने लिखा 3 years फ्रॉम नाउ, आज से, यानी कि वर्तमान से 3 years, जैसे कि अभी मैं अपन 2020 में, तो 2020 से 3 years फ्रॉम नाउ कितना होगा, 3 साल बाद कितना होगा, तो 2023 हो जाएगा, ठीक है, 2023 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर अफ्ताब की प्रेजेंट एज अगर एक्स ईयर है और उसकी डॉटर की वाई ईयर है, उसकी डॉटर की कितनी है, वाई ईयर है, तो बेटा उसमें 3 years एड करना पड़ेगा, तब जाके उसकी 3 years फ्रॉम नाउ की एज बनेगी। तो एज ऑफ अफ्ताब बी 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद एज ऑफ अफ्ताब कितनी होगी, तो वो होगी x प्लस 3। एज ऑफ उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, तो उसकी डॉटर की होगी y प्लस 3। अब हम उसका रिलेशन जो है उसको फॉलो करते हैं, उसका संबंध जो दिया हुआ है कि 3 साल बाद 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो उस रिलेशन को लिख रहा हूँ, सबसे पहले हम लिखेंगे फादर की एज और 3 times लिखेंगे उसकी डॉटर की एज के, ठीक है, क्योंकि फादर की एज तो ज़्यादा ही होती है, अगर दोनों को बैलेंस करना है तो 3 का मल्टीप्लाई उसकी डॉटर की एज में करना पड़ेगा, अगर फादर की एज में करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब ये हो रहा है x प्लस 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 3y प्लस 3 3 9, इसको इधर ले लो, ये हो जाएगा प्लस का 3y इधर आ जाएगा, ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 9 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 9 इज इक्वेलेंट टू 0, ठीक है बेटा। तो आपके पास ये हो गया x माइनस 3y और ये हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वेलेंट टू 0, और इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, इसको भी मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। इक्वेशन सेकंड क्या बना आपका, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वेलेंट टू 0। तो इस प्रोसेस को आप नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको इरेज करके अब इनके लिए अलजेब्रिक इक्वेशंस बनाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले इक्वेशंस को सोल्व करने की, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे और इससे दो
इसके सॉल्यूशंस लेंगे और उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमको इक्वेशन की जो सिचुएशन दे रखी थी उसका एल्जेब्रिक फॉर्म बनाना था, तो एक काम हम कर चुके हैं, अब उनका ग्राफिकली फॉर्म बनाना है, तो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए पहले इसके दो सॉल्यूशंस बनाना पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को सोल्व करता हूं, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वेलेंट टू 0। अब हम क्या करते हैं, x को यहीं छोड़ते हैं और इसका ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 7y और ये प्लस का 42 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 42। माइनस का 7y प्लस का हो गया और प्लस वाला माइनस का हो गया। यहाँ पर y का वैल्यू पुट करते हैं तो हमको x के वैल्यू मिलेंगे, तो सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू 6 पुट कर रहा हूँ। x इज इक्वेलेंट टू 7 इंटू 6 माइनस 42, तो x इज इक्वेलेंट टू 42 माइनस 42, तो 0 हो जाएगा। जब y 6 रखेंगे x 0 आएगा, जब y हमने 6 रखा तो सॉरी यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, इसकी ब्लैक वाली टेबल में लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर आपने y 6 रखा, y 6 रखा तो x आपका क्या आया, x आपका आया 0। ठीक है बेटा, अब एक और ले लेते हैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन। तो अभी मैंने रखा था 6, आप यहाँ पर 5 रख लो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मैंने रखा 5, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 इंटू 5 माइनस 42, क्योंकि 7 के मल्टीप्लाई में बेटा y, यहाँ पर 5 रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। x इज इक्वल टू 7, 5 जो 35 माइनस 42, अब ये हो जाएगा x माइनस, अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर जो है वो नेगेटिव है, ये आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 42 में से 35 माइनस होगा और ये ग्रेटर नंबर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस है, आपने 5 रखा तो आपको मिला माइनस का 7 मिला, वाई कौन से एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर माइनस का 7 मिला। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इस वाले इक्वेशंस का सॉल्यूशन। अब हम ब्लू वाले इक्वेशंस के लिए यहाँ पर सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, तो ब्लू वाले इक्वेशंस आपका क्या है, एक्स माइनस 3y माइनस 6 इक्वेलेंट टू 0, एक्स को यहीं छोड़ दो, ट्रांसफर कर दो इनका, ये माइनस 3y माइनस वाला प्लस का हो गया, ये माइनस वाला ये भी प्लस का हो गया। वाई को आपको बहुत कम से कम रखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा, तो वे ग्राफ बनाने में बड़े बड़े डिजिट लेना पड़ेंगे। तो y आपने रखा बेटा 0, तो जब y 0 होगा तो 3 इंटू 0 प्लस 6, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 6, यानी कि हो जाएगा 6, यानी कि y 0 और x 6, y 0 तो x आपका आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, अब y को माइनस 1 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस 1, तो x क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 1 प्लस 6, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3 का प्लस का 6 हो जाएगा, और x 6 में से 3 माइनस होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y आपने रखा माइनस का 1, तो x आपको मिला प्लस का 3। तो ये आपके दो सॉल्यूशंस हो गए। अब हम इस पर ग्राफ बनाते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर कार्तीय समतल पर ग्राफ बना के देखते हैं। तो पहले जो हमारा इक्वेशन था उसके दो सॉल्यूशंस है हमारे पास, 0, 6 और माइनस 7, 5, तो x एक्सिस पर आपको 0 लेना है, तो x एक्सिस पर 0 यहाँ पर मिल जाएगा, और y एक्सिस पर 6 लेना है। ठीक है, तो y एक्सिस पर पॉजिटिव 6 ऊपर मिलेगा तो यहाँ पर, तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं ये है 0, 6। क्यों 0, 6 है, जिस भी पैर का x एक्सिस वाला पॉइंट 0 होता है वो y पर डिपेंड करता है, ये 9 क्लास में हमने पढ़ा, वो y पर एक्सिस होता है, वाई पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा क्या है कि एक्स पर माइनस 7 लेना है, तो मैंने एक्स पर माइनस 7 ले लिया, और वाई पर लेना है पॉजिटिव 5, तो वाई पर पॉजिटिव 5 ऊपर है, तो कुछ इन दोनों का पेयर कहाँ पर मिलेगा, कुछ इस टाइप से यहाँ पर मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है माइनस 7, 5। ठीक है, एग्जैक्टली कोई मैंने मेजर करके नहीं बनाया है, थोड़ा अप्रोक्स है ये। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को हम बोलेंगे ये पॉइंट है माइनस 7, 5, क्योंकि पहले हम x वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर किसका लिखते हैं, y वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करके एक लाइन जा रही है, जेट लिया। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाला इक्वेशन जो बना था 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ वाला, उस इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो x पे 6 लेते हैं हम, पॉजिटिव 6 में ले लिया, और y पर 0, तो ये यही पर आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 6, 0। अब ये यहाँ पर क्यों आ जाएगा, क्योंकि बेटा इसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 है, देखो y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, तो जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो x एक्सिस पर लाई करता है, तो ये x एक्सिस पर लाई कर जाएगा। ठीक है, 6, 0 हो गया। अब इसका जो सेकंड वाला है 3, -1, तो x पर 3 लेना है, ये x पर 3 और y पर -1, तो ऊपर नहीं लेना है नीचे, क्योंकि -1 नीचे आएगा, तो कुछ टाइप से आपको यहाँ पर मिलेगा, आप इस पॉइंट को क्या बोलोगे 3, -1। ठीक है, ये आपको मिल गया, आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, आप इन दोनों को, थोड़ा मैंने गलत बना दिया, रॉन्ग, ये दो के लिए ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है बेटा, अब ये दोनों, ये जो एरो है ये शो कर रहे हैं कि ये
ये लाइन इधर इन्फिनेटली तक जा रही है और ये भी इधर इन्फाइनेट तक जा रही है। अब इन्फाइनेट तक जा रही है तो इसके बिटवीन में कहीं ना कहीं पर ये कट भी करेगी, तो जिस पॉइंट पर वो कट करेगी वो इन दोनों इक्वेशंस के लिए यूनिक सॉल्यूशंस होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास अफ्ताब का क्वेश्चन था जिसमें बोला था अफ्ताब ने कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 साल बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो उसका हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाया और एल्जेब्रिक इक्वेशन के बाद हमने उसका ग्राफिकली रूप भी देख लिया। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बच्चों हमारा, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 bat and 6 ball फॉर 3900, लेटर सी बॉय अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। यानी क्वेश्चन जो है बेटा, एक क्रिकेट टीम का कोच जो है 3 bat और 6 ball खरीदता है, वो कितने में खरीदता है यहाँ पर 3900 रुपये में, 3900 रुपीज़। और सी बॉयज अनादर बेट, वो दूसरी बार क्या करता है, एक बेट खरीदता है और 3 more balls खरीद लेता है, यानी कि सेम काइंड की वैसे के वैसे एक बेट और 3 ball खरीदता है और उसके लिए 1300 रुपये यानी कि 1300 रुपीज़ पे करता है। यानी कि दो अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पर बन रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सिचुएशंस के लिए, और उससे भी पहले हम क्या करते हैं कि 1 bat और 1 ball की प्राइस यहाँ पर पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट द प्राइस ऑफ 1 bat इज बी ₹X एंड द प्राइस ऑफ 1 ball इज बी ₹Y। अगर बेटा एक बेट ₹X का है तो 3 bat 3 ₹X के होंगे, और अगर 1 ball ₹Y की है तो 6 ball कितने की होगी, 6 ₹Y की होगी, और टोटल इनका हो रहा है 3900। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशंस हम यहाँ पर लिखेंगे 3 bat and 6 ball की प्राइस कितनी हो जाएगी, 3 bat and 6 ball टोटल कितने के होंगे, तो 3 bat होंगे ₹3 के और 6 ball होंगे ₹6 के, टोटल कितने के होंगे 3900 यानी कि 3900 के। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन उसमें वो कोच ने क्या किया, सेकेंड सिचुएशन में एक बेट और 3 balls खरीदी है 1300 रुपये में। तो बेटा एक बॉल की प्राइस होगी ₹X और 3 ball की प्राइस क्या होगी, ₹3 और टोटल वो दे रहा है 1300 रुपये। इस टाइप से आपके पास दो इक्वेशंस यहाँ पर बन रही है। ये हो गया आपका फर्स्ट काम, यानी कि आपने एल्जेब्रिकली इस इक्वेशन, इस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट यहाँ पर कर दिया। पहला इक्वेशन आपका बन गया 3x + 6y = 3900, और सेकंड आपका सिचुएशन बना x + 3y = 1300। अब इस दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले जियोमेट्रिकली सॉल्व करने के लिए इनको पहले इनके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, इनको सॉल्व करके और फिर सॉल्यूशंस के लिए टेबल बनाते हैं एंड देन इसको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। ठीक है बेटा, पहला इक्वेशन जो है आपका 3x + 6y = 3900, इस इक्वेशन को आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। ध्यान से देखोगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो लेट अस डिवाइड बाय 3 बोथ द साइड। अगर 3 से डिवाइड करते तो 3 कैंसिल हो क्या आ जाएगा, x, ये 6 टू टाइम कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 ये हो गया इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन आपका जो है वो क्या है, सेकेंड सिचुएशन आपकी है x + 3y = 1300, इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, इनके सॉल्यूशंस लेंगे और फिर इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 1300, इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसफर करते हैं, प्लस का 2y उधर जाएगा माइनस में। ठीक है बेटा, ये चले गया माइनस में, अब y का वैल्यू पुट करके x के फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने y का वैल्यू यहाँ पर ले लिया 600, जैसे मैं y का वैल्यू 600 लेता हूँ ये हो जाएगा 1300 - 2 × 600, तो बेटा कितना हो जाएगा ये x = 1300 - 1200 में से 1200 जाओ यहाँ पर बच जाएगा 100। ठीक है, तो आपका x वाला वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, तो आपका एक सॉल्यूशन बन गया, आप उसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो कि 100, 6 पहले x वाला लिखेंगे तो x वाला 100 ही है, चलो ठीक है 100 एंड y वाला 600, ये हो गया आपका एक सॉल्यूशन। अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो अभी हमने क्या पुट किया था, यहाँ पर 600 पुट किया था, यदि हम 500 पुट करते थे तब भी हमको 300 मिल जाएगा, तो चलो 500 पुट कर देते हैं, y बराबर हमने 500 या 500 पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा x = 1300 - 2 × 500, ये हो जाएगा x = 1300, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा यहाँ पर 300। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे हम 300, 500, बात समझ पा रहे हो क्या। तो ये एक दूसरा सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन क्या था,
100,600 और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा 300,500 हो गया। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन हो गए इसके लिए। अब इसके लिए हमारा अगर दो सॉल्यूशंस की बात करें तो इक्वेशन सेकंड को भी सोल्व करना पड़ेगा। चलो सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 1300, ये प्लस का 3 बाय उधर हो जाएगा, माइनस का 3 बाय। अब बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो सेम एज इट इज़, जो भी वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ से वैल्यू मिलते जाएंगे आपको। आप पुट करोगे यहाँ पर 300, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 9, तो 400 बच जाएगा। चलो y इज इक्वल टू पुट किया हमने 300, तो हुआ x इज इक्वल इंटू 31300 माइनस 3 इंटू 300, कितना हो रहा है ये x इज इक्वल इंटू 1300 माइनस 900, ये हो जाएगा 400। ठीक है, ये हमने x अगर 400 रखा तो y 400 रखा था हमने, y क्या रखा था सॉरी 300, तो x मिल गया 400। अब एक और सोचो हमने, जैसे कि अभी 3 रखा था, यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं तो 100 मिल जाएगा, चलो 4 रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू 400 पुट करने पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 400 पुट कर दो, x इज इक्वल इंटू 1300 माइनस 1200, तो x इज इक्वल इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 100,400, क्या हो जाएगा 100,400। तो इसको भी आप, इसके भी दो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इन दोनों के लिए पहले एक टेबल बना लेते हैं और फिर इन दोनों को लिखेंगे। तो ब्लू वाले की टेबल हम यहाँ पर फर्स्ट में बना लेते हैं। तो ब्लू वाले की टेबल बेटा x और y की, तो पहले आपने x में क्या रखा और y में क्या मिला, तो आपने रखा था ये वाला सॉल्यूशन, ये 100 x में, तो आपको y में क्या मिलना चाहिए, y में आपको मिलेगा 600। ठीक है, आपने यहाँ पर x में क्या रखा था 300, तो y में आपको मिला 500। और इसके लिए अगर हम टेबल बनाएं एक्स वाई वाली, जिसको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम एक्स वाई को लिखेंगे। x पे हमने यहाँ पर रखा था 400, तो आपको y में क्या मिला 300, और x में आपने रखा 100, तो y में मिला 400। इज दैट क्लियर? अब बेटा इसको हम यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करने से पहले आपको उनकी स्केल लेना पड़ेगी, क्योंकि बेटा 100-100, 200-300 इस ग्राफ में जनरली नहीं बन सकते। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस पर आपने स्केल लेना है और y एक्सिस पर भी स्केल लेना है, कि 1 सेंटीमीटर चला तो 100 यूनिट के बराबर चल लिया, 100 इकाई के बराबर चल लिया। इधर भी आपने 1 सेंटीमीटर चला यानी कि 100 इकाई के बराबर चल लिया, ठीक है, स्केल मान लेना। और ये आपको नंबर 1 से ना स्टार्ट करते हुए 100 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और 100-100 का यहाँ पर डिफरेंस भी रखना है। तो सबसे पहला जो हमारा ब्लू वाला इक्वेशन है इसको प्लॉट करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 और 600। तो अगर 100 देखेंगे तो इसको 600 दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन मिल गया 100 और 600, बात समझ में आ रही है। और इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो 300 एंड 500, तो अगर 300 देखेंगे तो ये y पे मिल जाएगा 500 में, यानी कि कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। इस सॉल्यूशन को हम लिखेंगे 300 एंड 500, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है बेटा, ये वाला। और इस पर आप इक्वेशन भी लिख सकते हो, x प्लस 2y इज इक्वलेंट टू यहाँ पर 1300, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके ये वाले सेकेंड इक्वेशन की, सेकेंड सिचुएशंस की। तो ये 400 एंड 300 है, तो x पर 400 और y में 300, तो ये यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ इस टाइप से डॉट डॉट करोगे और यहाँ से भी करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से बनाओगे। क्या बना लिया आपने, इधर से 4 और इधर से 3, तो 3 कुछ अप्रोक्स ऊपर आएगा थोड़ा, तो ये ठीक है ना, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो। पॉइंट को मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 400 और 300, ठीक है बेटा। अब सेकेंड वाला जो 100-400 का, तो आप 100 यहाँ लोगे, 400 यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, कुछ इस टाइप से डॉट करते जाओगे तो ये दो लाइनें हो गई आपकी। अब आप इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, ये दोनों कहीं ना कहीं पर कट कर जाएंगे, तो आपको जो इक्वेशंस है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइंड होगा, ठीक है बेटा। इसमें मेरे इसमें यहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेटली बनाया है, आप अगर जो जेब्रा की सहायता से इसको करके देखोगे तो आपको करेक्ट पता चल जाएगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या है और कहाँ पर ही कट कर रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना था। तो ये ब्लू, ये ब्लैक वाला इक्वेशन है, वो क्या है, x प्लस 3y 1300, और सेकेंड जो इक्वेशन है हमारा वो है x प्लस 3y इज इक्वल इंटू 1300। तो इस टाइप से जो हमको क्वेश्चन गिवन था लैंग्वेज वाला, उसको हमने पहले एल्जेब्रिक बनाया और उसके बाद उसका जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है बेटा।
तो अब हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बच्चों हमारा, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg क्रैब्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 150, यानी कि एक दिन 2 किलो एप्पल और 1 kg सेपल, सॉरी 2 किलो एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, यानी कि 2 किलोग्राम सेब फल और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत है 160 रुपये। और एक महीने बाद क्या होता है कि 4 किलो सेब फल और 2 किलो अंगूर की प्राइस बन रही है 300 रुपीज़। तो आपको इन दोनों अलग अलग सिचुएशंस को पहले ग्राफिकली और फिर एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन बताना है। पहले एल्जेब्रिकली बना दो फिर उसका जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली सिचुएशंस के लिए क्या करते हैं, एप्पल और सेब दो कंटेंट है हमारे पास, तो हम एप्पल और सेब ग्रेप्स की प्राइस यहाँ पर लेट करते हैं। तो बेटा कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज बी ₹100, हमने यहाँ पर लेट कर लिया, यानी माना कि एक केजी एप्पल की प्राइस हमने कितनी लेट कर ली, ₹100, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 किलोग्राम ग्रेप्स की जो प्राइस है, अंगूर की प्राइस है, उसको हम लेट कर रहे हैं ₹100। बात समझ में आ रही है। हमने माना कि 1 किलो सेब फल ₹100 के हैं, तथा हमने ये मान लिया कि 1 किलो जो अंगूर है वो है ₹100 की। तो एक दिन जब वो कोई भी व्यक्ति जब मार्केट में गया, उसने 2 किलो एप्पल और 1 किलोग्राम सेब फल खरीदे और उसकी टोटल प्राइस हुई 160, यानी कि बेटा यदि एक एप्पल की प्राइस ₹100 है तो 2 kg की कितनी हो जाएगी, 2x रुपी, और 1 kg ग्रेप्स की प्राइस आपने लेट की है ₹100, दोनों का टोटल हुआ 160। तो ये आपका वेरी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, तो सेकंड सिचुएशन क्या बनी, वो एक महीने बाद जब गया, उसने 4 किलो सेब फल और 2 किलो अंगूर खरीदे, 4 किलो सेब फल और 2 किलो अंगूर ₹300 में खरीदे। कितने में खरीदे बेटा, ₹300 में। क्या क्या खरीदा, 4 किलो सेब फल, तो 1 किलो सेब फल ₹100 के, तो 4 किलो सेब फल बन रहा है यहाँ पर ₹4x के, 1 किलो अंगूर ₹100 का, तो 2 किलो अंगूर ₹2y का बन रहा है, तो टोटल कितने रुपए के बन रहा है, तो ₹300 के बन रहे हैं। सामने देते इक्वेशन सेकंड। तो बेटा ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व, एल्जेब्रिकल इक्वेशंस को सोल्व करना था, तो हमने ये फर्स्ट और सेकंड दोनों एल्जेब्रिकली बना दिए। अब हम इनका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इन दोनों इक्वेशंस को पहले हम सोल्व करते हैं, इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट आपका है 2x + y = 160, और इक्वेशन सेकंड है 4x + 2y = 300। तो बेटा ये वाला इक्वेशन छोटा हो सकता है, देखो जरा यहाँ से दोनों साइड में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 150, तो उन डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड लिखना और इक्वेशन ये ले लेना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इजी हो गया। अब हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं और उसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है आपका क्या है, 2x + y = 160। आप क्या करो, y का वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से 160 माइनस ये हो गया 2x, x से वैल्यू पुट करो तो y के वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ से x का वैल्यू, लेटेस्ट एज्यूम आपने x का वैल्यू पुट किया यहाँ पर 60, तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वेलेंट टू 60 ले लो, तो y इज इक्वेलेंट टू क्या आ जाएगा, 160 माइनस 2 इंटू 60, y इज इक्वेलेंट टू 160 माइनस हो जाएगा 120, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 40, ठीक है बेटा। तो एक सॉल्यूशन हो गया, आपने x रखा था 60, y 40 मिल गया, आपने 60 रखा, y मिल गया आपके पास 40, ठीक है। या फिर ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेना आप, इसको कैसे लिखोगे, 60, 40। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। एक और सॉल्यूशन इसके लिए देखते हैं, चलो एक और सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेटा आपका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वेलेंट टू 160 माइनस 2x, आपने भी 60 रखा था, यहाँ पर 70 रख दो नेक्स्ट, या फिर 40 इससे कम रखना है तो 50 रख दो, तो 50 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 60 आएगा, ठीक है। चलो 50 रख लेते हैं, 70 रख लो तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू आपने रखा 70, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 70, y इज इक्वेलेंट टू 160 माइनस 140, तो बेटा हो जाएगा y इज इक्वेलेंट टू 20, तो x आपने 70 रखा तो y 20 मिल गया। ये आपके दो सॉल्यूशन हो गए, एक ये वाला सॉल्यूशन, एक ये वाला सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को आप ऐसा लिख सकते हो 70, 20। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ से सेकंड इक्वेशन की, 2x + y = 150, तो 2x + y = आपके पास है 150। इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे,
y इज इक्वेलेंट टू 150 माइनस आपका बेटा हो गया यहाँ पर 2x हो गया। x के वैल्यू पुट करो तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अप्रोक्स क्या पुट करोगे अभी 50 पुट करो तो वापस 50 ही मिल जाएगा आपको। चलो x इज इक्वल टू 50 पुट किया आपने तो क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वेलेंट टू 150 माइनस 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 माइनस 100 तो बेटा ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 50। x 50 रखा तो y 50 मिला, x 50 तो y भी क्या आया 50। ठीक है, यहाँ पर आप सॉल्यूशन में लिख सकते हो 50, 50। ठीक, अगर हम बात करते हैं अगर इसके दूसरे सॉल्यूशंस की तो एक इक्वेशन वापस जो आपने बना हुआ उसको कॉपी कर लिया यहाँ से। अभी आपने 50 रखा था, आप 60 रख लो बेटा, तो 60 रखोगे तो 130 मिल जाएगा। ये x इज इक्वल टू आपने रखा 60 तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 60, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 150 माइनस 120 तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 30, यानी आपने रखा 60 आपको मिला 30 है, दूसरा सॉल्यूशन हो गया। 60 रखा आपने x का वैल्यू तो y का वैल्यू आपको मिल गया 30। तो बेटा ये दोनों सॉल्यूशन हो गए। अब हम इनके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इक्वेशंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए बच्चों हमने क्या किया है, एक ग्राफ लिया है और उसमें स्केल या पैमाना माना है। क्यों माना है, क्योंकि बेटा ये बहुत बड़े बड़े डिजिट्स यहाँ पर ग्राफ्स हमको मिले हैं, उनको बनाने के लिए ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, सफिशियंट नहीं है कि बोर्ड पर बन जाएगा, इसलिए हमने क्या किया कि इस 1 सेंटीमीटर को हमने 10 यूनिट्स या 10 इकाई मान लिया। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला इक्वेशन है 2x plus y equals to 160 उसको प्लॉट करते हैं तो 60-40 आएगा, तो x पर 60 लेना है और y पर 40, तो x पर 60 और y पर 40 कुछ यहाँ पर मिलेगा बेटा आपको। तो इसको आप क्या बोलोगे, 60, 40, ये पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है 70-20, तो ये 70-20 आपको कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा सॉल्यूशन 70-20, x पर 70 y पर 20 कुछ इस टाइप से थोड़ा ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, आप इससे होते हुए एक लाइन खींच दो यहाँ पर और इस पर लिख दो, क्या लिखोगे आपका इक्वेशन जो भी है 2x plus y is equivalent to 160। ठीक है बेटा, एक ग्राफ बन गया हमारा। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की 2x plus y 150 की, तो 50-50 उसमें, तो चलो 50-50 कहाँ मिलेगा, x पर 50 तो y पर भी पॉजिटिव 50 यहाँ पर मिला। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ रहा है। ठीक, अब 60-30 है तो 60-30 को हम समझेंगे, 60 x पे 60 और y पे 30, तो कुछ इस टाइप से वो बेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, और पहला वाला क्या था 50-50, तो ये कुछ यहाँ पर था 50-50। आप जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर बेटा कट करेंगे। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को मैंने थोड़ा ऐसा बनाया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, लेकिन थोड़ा ऐसा बनेगा कि ये एकदम पैरेलल बिल्कुल जाएगा, कट ही नहीं करेगा। अगर इस लाइन को थोड़ा स्ट्रेटली बनाओगे तो बिल्कुल पैरेलल जाएगी, इसके साथ जाएगी। ठीक है बेटा, तो आपका ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो इसका सत्यापन करना है तो आप प्ले स्टोर से जियोजेब्रा डाउनलोड करना और उस पर इन दोनों इक्वेशंस के इनपुट देना, आपको इस टाइप से पैरेलल लाइंस या फिर एक ग्राफ जो भी अगर ये आगे चल के कटेगा तो कटने वाला ग्राफ दिखेगा, और पैरेलल लाइंस का चाहोगे तो अगर पैरेलल लाइन का होगा तो पैरेलल लाइंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है बेटा, तो यदि आपको इसी तरीके के कंसेप्ट समझना है, ठीक है, और यदि आप चाहते हो कि ये मेरे ये वीडियो आपके पास आते रहे तो मेरे यूट्यूब चैनल DBK Maths क्लासेस को लाइक कीजिए बेटा और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल ऊपर से ऊपर वीडियो ऊपर से ऊपर प्लेलिस्ट में आएगा। थैंक यू।